अभी अपन एक्सरसाइज समझी और अपन समझेंगे इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग। ओके, तो वर्ड मीनिंग है, फर्स्ट वर्ड मीनिंग है टोज। टोज मतलब होता है स्मॉल फिंगर्स, पैर की उंगली होती है ना, उनको अपन क्या बोलते हैं, टोज बोलते हैं। सेकंड है क्लाइंब। क्लाइंब मतलब होता है टू गो अपसाइड, मतलब ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ते हैं ना पेड़ पे, उसको बोलते हैं क्लाइंब। फिर है टिप। टिप मतलब होता है द पीक, हाई प्लेसेज, ऊंचा स्थान, तो ना सबसे ऊपर का जो पेड़ का सबसे ऊपर का जो प्लेस थी उसको बोला है टिप। फिर टॉप। टॉप मतलब हाईएस्ट सरफेस, ऊपर का उत्तम, सबसे ऊपर जो सरफेस है उसको बोल रहा है। ट्रग। ट्रग मतलब है टू ग्लो स्लोली विथ हैवी स्टेप, भारी कदम के साथ धीरे धीरे चलना। ठीक है, अब देखेंगे अपन इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द किटी गो, किटी कहाँ जा रही थी। द किटी रैन अप द ट्री, किटी कहाँ चढ़ रही थी, पेड़ पर जा रही थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड किटी वांट टू सी, किटी क्या देखना चाहती थी। द किटी वांट टू सी द टिप ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री, किटी जो थी उस पेड़ की सबसे ऊंचे स्थान पे जाकर देखना चाहती थी कि अगर पेड़ का ऊंचा स्थान है या नहीं है। व्हेन डिड किटीज नोज गो अप, किटी की नाक ऊपर कब जाएगी। आंसर है द किटी गो अप द ट्री देन हर नोज वेंट अप, जब किटी ऊपर जाएगी तब उसके साथ उसकी नोज भी ऊपर जाएगी। हाउ डिड किटीज टोज गो अप, किटी के टोज ऊपर कैसे जाएंगे। द किटीज गो स्लोली विथ हैवी स्टेप देन हर टोज गो अप, जब किटी स्लोली स्लोली धीरे भारी कदम से चलेगी तब उसके टोज भी उसके साथ ऊपर जाएंगे। वाई डिड किटी क्लाइम अप द ट्री, किटी जो है वो पेड़ के ऊपर क्यों चढ़ना चाहती थी। द किटी वॉन्ट टू सी वॉज अ टिप ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री, क्या देखना चाहती थी कि ट्री का भी कोई टिप है, मतलब ट्री की भी कोई ऊंचा स्थान है या नहीं है, ये देखना चाहती थी, इसलिए वो ट्री पर ऊपर चढ़ रही थी। ये वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में उतारना है, फेयर कॉपी में। ओके, किससे उतारोगे आप, पेंसिल से, अच्छे से, अच्छी राइटिंग में, सुंदर सुंदर राइटिंग में उतारना है। ओके, थैंक यू।